हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के फर्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पढ़ा था। तो मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था कि कुछ हमने इलेक्ट्रोलाइट्स की आपको खुद कहा था कि उनके इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट बना के देखें। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, आपने सॉल्व कर लिया होगा, आप चेक कर लें। एक तो एसिडिफाइड वाटर दिया था मैंने आपको कि इसके इलेक्ट्रोलिसिस के क्या प्रोडक्ट होंगे, कैथोड और एनोड में क्या प्रोडक्ट हमें मिलेंगे, ये लिख के देखिए। और एक एक्वस ह्यूमस स्कोर भी था, मैं इसको थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। एसिडिफाइड वाटर है हमारे पास, वाटर में H2O, इसमें हमने स्मॉल अमाउंट में H2SO4 ऐड किया है इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर कौन कौन से आयन होंगे, जो H2O होगा वो H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन्स बनाएगा। फिर हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, वो H पॉजिटिव एंड SO42 नेगेटिव आयन्स बनाएगा, ठीक है। एक सल्फ्यूरिक एसिड जो है 2H पॉजिटिव और एक SO42 नेगेटिव आयन जो है वो जनरेट करे। तो हमारे पास जो है इलेक्ट्रोलिसिस में कैथोड और एनोड दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। तो कैथोड जो होता है नेगेटिवली चार्ज होता है, तो नेगेटिवली चार्ज पे ये पॉजिटिव आयन्स जो है ये मूव करेंगे। तो पॉजिटिव आयन हमारे पास यहाँ पे एक ही है, एच पॉजिटिव ही है, तो एच पॉजिटिव आयन कैथोड में जाएंगे। और कैथोड में क्या होती है, रिडक्शन। H पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब हमें कैथोड में क्या मिलेगी, हाइड्रोजन गैस। फिर एनोड पे, एनोड क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो इसमें नेगेटिव आयन्स जाएंगे। इलेक्ट्रोलिसिस की बात कर रहे हो, इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड पॉजिटिवली चार्ज है तो इसमें नेगेटिव आयन्स मूव करेंगे। अब इन दोनों में से OH नेगेटिव एंड SO42 नेगेटिव, जिसका इन दोनों में से जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वही ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है। तो OH नेगेटिव एंड SO42 नेगेटिव में OH नेगेटिव का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है, तो हाइड्रोक्साइड आयन की क्या होगी, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक OH नेगेटिव आयन एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और OH में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब इसने अपना चार्ज खत्म कर दिया, ठीक है। अब OH की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो चार OH मिलके दो वाटर मॉलिक्यूल बना लेंगे और एक O2 गैस का मॉलिक्यूल, मतलब हमें एनोड में क्या मिलेगी, ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो एसिडिफाइड वाटर की जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो कैथोड में हाइड्रोजन गैस मिलती है और एनोड में ऑक्सीजन गैस मिलती है। फिर मैंने आपको कहा था एक्वस कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट लिख के देखें। तो एक्वस कॉपर सल्फेट मींस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन वाटर में है, तो यहाँ पे कौन कौन से आयन्स बनेंगे, कॉपर सल्फेट कॉपर 2 पॉजिटिव एंड SO42 नेगेटिव आयन्स जनरेट करेगा, और वाटर जो है वो H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन्स जनरेट करेगा। फिर से हम देखेंगे कि कैथोड जो है, कैथोड हमारा क्या होता है इलेक्ट्रोलिसिस में, कैथोड इलेक्ट्रोड जो होता है नेगेटिवली चार्ज होता है और एनोड पॉजिटिवली चार्ज। तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो है कैथोड, उस पे पॉजिटिव आयंस मूव करेंगे उसकी तरफ। पॉजिटिव आयंस दो हैं, Cu2 पॉजिटिव भी H पॉजिटिव, और कैथोड पे होती है रिडक्शन। तो कॉपर और हाइड्रोजन में से जो इजीली रिड्यूस हो सकता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वही रिड्यूस होगा। जैसे आपको 10th की एक सीरीज भी याद होगी, 10th में हम एक एक्टिविटी सीरीज पढ़ते थे, एक्टिविटी सीरीज में जो कॉपर होता है वो नीचे होता है और हाइड्रोजन जो होता है वो ऊपर होता है, मतलब हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, जो ज्यादा रिएक्टिव है वो इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी किसकी है, कॉपर की, क्योंकि ये एक्टिविटी सीरीज में नीचे आ रहा है कॉपर, ठीक है। तो कॉपर की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है, तो कॉपर और हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा है, कॉपर की, मतलब कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। कैथोड में कॉपर जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और रिड्यूस हो जाएगा, कॉपर बन जाएगा, मतलब कैथोड में कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। फिर एनोड पे भी दो नेगेटिवली चार्ज आयन्स मूव करेंगे एनोड की तरफ। अब एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन, तो सल्फेट आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में जो इजीली ऑक्सीडाइज होगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा जो कि है हाइड्रोक्साइड आयन का, वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। ये आपको याद रखना है, यहां पे सल्फेट और हाइड्रोक्साइड, इन दोनों में से हाइड्रोक्साइड की ऑक्सीडेशन होगी सल्फेट की, क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयन का क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। तो OH नेगेटिव आयन एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे और OH में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर बिल्कुल वैसे ही जैसे वाटर में था, चार OH मिलके दो वाटर मॉलिक्यूल बना लेंगे और ऑक्सीजन गैस इसमें
ऑक्सीजन गैस निकले होगी। ठीक है, तो देखो जो हमारे पास कॉपर आयंस थे वो तो क्या है, उनकी ऑक्सीडेशन हो चुकी है, कॉपर आयंस की ऑक्सीडेशन होगी, सॉरी कॉपर आयंस की रिडक्शन होगी, क्या थोड़ में कॉपर आयंस की क्या होगी, रिडक्शन, और हाइड्रोक्साइड आयन की ऑक्सीडेशन हो गई है एनोड पे, कॉपर आयंस डिपॉजिट हो गए हैं कैथोड पे जाके, और OH जो है उसने वाटर और ऑक्सीजन गैस बना ली है, मतलब एनोड पे हमें ऑक्सीजन गैस मिल जाती है और कैथोड पे हमें कॉपर मेटल जो है वो मिल जाता है लिक्विड स्टेट में। तो हमारे पास बच क्या गया सॉल्यूशन, H पॉजिटिव आयन एंड SO4 नेगेटिव आयन, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड बच गई, H पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव का क्या मतलब, सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसमें क्या होता है, एक्वस कॉपर सल्फेट की जो हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं उसमें हमें कैथोड पे कॉपर मिलता है, एनोड पे ऑक्सीजन गैस लिब्रेट होती है और सॉल्यूशन के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड बच जाता है, सॉल्यूशन के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड रहता है। ठीक है, तो ये समझ आ गया आपको। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे जो साइंटिस्ट है उसके दो लॉज है इलेक्ट्रोलिसिस के, तो पहले हम करते हैं फैराडेस फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो फैराडे का जो फर्स्ट लॉ है वो क्या कहता है कि जब भी हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, देखो ये क्या, मैंने एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाया है, इसके अंदर एक क्या है एनोड इलेक्ट्रोड है, एक इलेक्ट्रोड है कैथोड, कैथोड जो सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और एनोड जो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, इसके अंदर क्या है एक इलेक्ट्रोलाइट ली है, जैसा कि हमने पहले भी एग्जांपल लिया था इसका, लिक्विड NaCl दिया हुआ है इसके अंदर। तो हम आप उसको याद करने की कोशिश कीजिए कि इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जब हम इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई ऑन करते हैं तो ये NaCl डीकम्पोज होता है, तो हमें एनोड और कैथोड में क्या मिलता है, Na आयंस जो है वो कैथोड की तरफ मूव करते हैं और रिड्यूस होके यहाँ पे सोडियम मेटल मिल जाता है, हमें डिपॉजिट हो जाता है इधर सोडियम मेटल लिक्विड स्टेट में, पहले आयंस की फॉर्म में था, इलेक्ट्रोलिसिस करने पे यहाँ पे लिक्विड स्टेट में हमें क्या है सोडियम मेटल मिल जाएगा, और एनोड में क्या क्लोरीन गैस लिब्रेट होती है, मतलब ये जो अमाउंट यहाँ पे हमें ऑब्टेन हो रहा है कुछ अमाउंट में सोडियम मेटल यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है और कुछ अमाउंट में क्लोरीन गैस यहाँ पे क्या लिब्रेट हो रही है, मींस कुछ ना कुछ मास होगा सोडियम का जो यहाँ पे डिपॉजिट होगा। ठीक है, और इसी तरह कुछ ना कुछ मास होगा क्लोरीन गैस का जो यहाँ पे लिब्रेट होगा, वो मास कितना होगा उसके बारे में ये बताता है फैराडेस फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, ये कहते हैं कि मास ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिब्रेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। इसका क्या मतलब हुआ, ऐसे कह रहा है ये कि जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं उस टाइम पे कितना मास किसी भी सब्सटेंस का डिपॉजिट होगा या लिब्रेट होगा, जैसे गैस लिब्रेट हो जाती है, ठीक है, जैसे यहाँ पे सोडियम डिपॉजिट हुआ है, तो इलेक्ट्रोलिसिस के टाइम पे किसी भी सब्सटेंस का किसी इलेक्ट्रोड पे कितना मास डिपॉजिट होता है या लिब्रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ट के, कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी हम उसमें से कितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम उसमें से पास कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, देखो अगर हम ज्यादा करंट देंगे, ठीक है, तो ज्यादा मास डिपॉजिट होगा, या फिर हम ज्यादा टाइम तक करंट देंगे तब भी क्या होगा, ज्यादा मास डिपॉजिट या लिब्रेट होगा किसी भी सब्सटेंस का। ठीक है, तो करंट पे डिपेंड कर रहा है, अगर हम थोड़ा सा करंट देंगे तो थोड़ा सा ही डिकम्पोजिशन हो पाएगा इसका, तो थोड़ा ही मास डिपॉजिट या लिब्रेट होगा, ज्यादा देर तक करंट देंगे या करंट की स्ट्रेंथ बढ़ा दें तो क्या होगा, ज्यादा मास डिपॉजिट या लिब्रेट होगा किसी भी इलेक्ट्रोड। तो मास ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिब्रेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड उसको हम एम से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड की, ठीक है, कि इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान हमने कितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास की है। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को हम क्यू से डिनोट कर रहे हैं, क्यू जो चार्ज के लिए हम जो यूज करते हैं, ये सिंबल चार्ज को डिनोट करने के लिए, वही है ये चार्ज है ये, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास में चार्ज हमने कितना पास किया है इसमें इलेक्ट्रोलिसिस के टाइम पे। तो किसी भी सब्सटेंस का मास कितना डिपॉजिट होता है या लिब्रेट होता है इलेक्ट्रोड पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यू के, क्यू क्या है चार्ज, मतलब क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हैं तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है जो कि है जेड।
इस Z का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, अब क्या है हमें पता है जो करंट होता है, करंट करंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, Q by T, चार्ज डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, चार्ज पर यूनिट टाइम को हम करंट बोलते हैं। तो I के लिए फॉर्मूला है I इज इक्वल टू Q by T, जो करंट है वो चार्ज डिवाइड में टाइम के बराबर होता है। तो हम Q को क्या लिख सकते हैं, I मल्टीप्लाई बाय T, मतलब इस Q की जगह हम क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, इस Q की जगह I मल्टीप्लाई बाय T। तो जो ये ZQ है, M इज इक्वल टू ZQ, वो किसके इक्वल हो जाएगा, M इज इक्वल टू Z मल्टीप्लाई बाय I मल्टीप्लाई बाय T, मतलब मास ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू Z मल्टीप्लाई बाय I करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम T, कितने टाइम तक हमने वो करंट को पास किया है इलेक्ट्रोलाइट में से। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म आ गई है, M इज इक्वल टू Z I T। ठीक, अब हमें अगर Z को डिफाइन करना है, Z क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अगर हम I और T की वैल्यू 1 पर पुट कर दें, मतलब करंट हम 1 एम्पीयर पास कर दें किसी इलेक्ट्रोलाइट में से और 1 सेकंड के लिए ही पास कर दें। ठीक है, तो किसी इलेक्ट्रोलाइट में से जब हम 1 एम्पीयर का करंट पास करते हैं सिर्फ 1 सेकंड के लिए, तब जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड उसके मास के बराबर होता है। ठीक है, उस अमाउंट के बराबर होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड व्हेन ए करंट ऑफ 1 एम्पीयर इज पास्ड थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट फॉर 1 सेकंड। ठीक है, तो Z इज इक्वल टू M होगा कब, जब I 1 एम्पीयर है और टाइम जो है 1 सेकंड है। ठीक, तो ये हमारे पास फर्स्ट लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म है जो आपको ध्यान रखनी है। और Z के बारे में एक और बात मैं आपको बता दूं, जो Z होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जो कि एक कांस्टेंट है, वो किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ आयन पे डिपेंड करता है कि हम कौन सी इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं। जैसे Na पॉजिटिव आयन के लिए उसका उसकी वैल्यू कुछ और होगी, Z की CO2 पॉजिटिव आयन के लिए Z की वैल्यू कुछ और होगी। मतलब ये किस पे डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ आयंस पे डिपेंड कर रहा है, कौन सी इलेक्ट्रोलाइट हमने लिए इस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, और जो Z जो होता है वो किसके बराबर होता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस जिसके लिए हम Z निकाल रहे हैं उसका इक्विवेलेंट वेट। जैसे हमें कॉपर 2 पॉजिटिव के लिए निकालना है Z, तो कॉपर 2 पॉजिटिव का इक्विवेलेंट वेट हमें यहां पर पुट करना पड़ेगा। अगर Na पॉजिटिव का निकालना है Z हमें, तो हमें Na पॉजिटिव का इक्विवेलेंट वेट यहां पे पुट करना पड़ेगा। तो जो Z होता है किसके इक्वल होता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइड में फैराडे कांस्टेंट। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं Z इज इक्वल टू E डिवाइड में F, E है इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस और F क्या है, फैराडे कांस्टेंट। इक्विवेलेंट वेट किसी सब्सटेंस का कैसे निकालेंगे, जैसे आपको अगर कॉपर 2 पॉजिटिव का निकालना है, तो कॉपर 2 पॉजिटिव का जो कॉपर का जो मास है उसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है, जो उसका कॉपर का मास होगा उसको उसके चार्ज से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर कॉपर 2 पॉजिटिव का हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो कैसे निकालोगे, जो भी कॉपर का मास है डिवाइडेड बाय चार्ज, चार्ज क्या है कॉपर 2 पॉजिटिव पे 2। ठीक, तो इस तरह इक्विवेलेंट वेट निकाल लेंगे। अब आपको फैराडे कांस्टेंट क्या होता है ये बताती हूं मैं, एफ जो है फैराडे कांस्टेंट, ये क्या होता है, फैराडेज कांस्टेंट इज द चार्ज कैरीड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि 1 मोल जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके ऊपर जो चार्ज होता है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, फैराडेज कांस्टेंट। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 6.022 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 23। ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन मींस इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 मल्टीप्लाई में 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसको हम एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो आ जाएगा। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 96487, इतनी वैल्यू आती है। इसको हम अप्रोक्सीमेटली ये लिख सकते हैं,
फैराडे कांस्टेंट की ये वैल्यू आपको याद रखनी है, वैसे न्यूमेरिकल से दी हुई भी आती है मोस्टली तो, लेकिन आपको याद भी रखनी है, ठीक है। 96500 कूलम पर मोल जो है फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू है। फैराडे कांस्टेंट क्या है? चार्ज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो फिर z क्या होता है? e बाय f, e इक्विवेलेंट वेट जिसका भी आपको z निकालना है वो आप फाइंड आउट कर लोगे, और f फैराडे कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू क्या है? 96500 कूलम पर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है z जो है e बाय f, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया फैराडेस फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब हम पढ़ते हैं फैराडेस सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। तो फैराडेस सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की स्टेटमेंट क्या है? व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स कनेक्टेड इन सीरीज, देन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड एट इलेक्ट्रोड्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट्स, ठीक है। देखो इसका क्या मतलब हुआ, ये ऐसे कह रहे हैं कि मान लो हमने कोई दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट ले, ठीक है, हमने कोई दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट ले ली, जैसे एक है जिंक सल्फेट और एक है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हमने लिया हुआ, यहाँ पे हमने जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, ये दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट है और इन दोनों में से हम सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, ठीक है। सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम कैसे पास करेंगे? दोनों में हम सेम करंट दें, दोनों को सेम करंट दें, दोनों सॉल्यूशन को, ठीक है, और सेम टाइम के लिए दें, ठीक। तो सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास होगी दोनों में से, ठीक है। तो दो इलेक्ट्रोलाइट हमने अलग अलग ली है और दोनों में से हम सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर पास करते हैं तो उनका जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड या लिबरेटेड होगा जो इलेक्ट्रोड्स पे वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? उनके इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट में से सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जब हम पास करते हैं तो कितना अमाउंट किसी भी इलेक्ट्रोड पे प्रोड्यूस होता है वो किस पे किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? उनके इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो मैं इसको वैसे फर्स्ट लॉ की हेल्प से भी समझाने की कोशिश करती हूँ, वैसे तो ये डायरेक्टली याद करना है लेकिन आपको समझ आ जाए इसलिए। जैसे मैंने यहाँ पे जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है और इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इन दोनों इलेक्ट्रोलाइट को सेम यहाँ पे हम सेल यूज कर रहे हैं, सेम टाइम के लिए हम इनमें से सेम करंट पास कर रहे हैं, मतलब सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम इन दोनों में से पास कर रहे हैं, ठीक है। तो मास ऑफ जिंक प्रोड्यूस्ड, क्योंकि जिंक सल्फेट में जो है जिंक आयंस होंगे, सल्फेट आयंस होंगे, जो जिंक आयंस होंगे वो किसकी तरफ मूव करेंगे? जिंक आयंस पॉजिटिव है, पॉजिटिव मींस नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड कौन सी है? कैथोड, कैथोड की तरफ मूव करेंगे, ठीक। तो कितना अमाउंट ऑफ जिंक प्रोड्यूस होगा वो फर्स्ट लॉ से हम किस कैसे निकालेंगे? मास ऑफ जिंक प्रोड्यूस्ड एट एन इलेक्ट्रोड किसके बराबर होगा? z मल्टीप्लाई में i मल्टीप्लाई में t, क्योंकि हमने फर्स्ट लॉ में पढ़ा था यहाँ पे m इज इक्वल टू जेड आई टी, ठीक है। तो जो m है मतलब मास ऑफ जिंक प्रोड्यूस्ड वो किसके बराबर होगा? जेड आई टी के बराबर। अब z क्या है? जिंक के लिए, क्योंकि हम मास ऑफ जिंक प्रोड्यूस निकाल रहे हैं तो जिंक के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है मैंने आपको अभी बताया था, e by f, ठीक है। e जो है इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक है, f फैराडे कांस्टेंट है, तो z की जगह हम क्या लिख सकते हैं? e by f लिख सकते हैं, e इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक, f फैराडे कांस्टेंट, i और t को हम ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। इसी तरह मास ऑफ कॉपर प्रोड्यूस्ड एट एनी इलेक्ट्रोड वो क्या होगा? वो भी जेड आई टी होगा। यहाँ पे जो जेड है वो क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट फॉर कॉपर आयंस है। अब कॉपर आयंस के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है तो जो जेड होता है वो किसके बराबर होता है? ई बाई एफ। ई क्या होगा यहाँ पे? इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर डिवाइड में फैराडे कॉन्स्टेंट, फैराडे कॉन्स्टेंट तो एफ ही रहेगा, चाहे वो जिंक के लिए था चाहे वो कॉपर के लिए हो, मल्टीप्लाई में आई टी को हम ऐसे लिख देंगे। अब इन दोनों इलेक्ट्रोलाइट में आई सेम था और सेम टाइम के लिए हमने वो करंट जो है पास किया था तो टी भी दोनों के लिए सेम था, तो आई टी की जो वैल्यू यहाँ पे होगी वो यहाँ पे होगी। सिर्फ चेंज क्या है? एफ भी सेम है दोनों में, सिर्फ यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक है और यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर है। तो अगर इन दोनों को मैं डिवाइड कर दू, एम जिंक डिवाइड में एम कॉपर निकालू, मास ऑफ जिंक डिपॉजिटेड और मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड
इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे क्या होगा, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, जो सेम फैक्टर है आईटी से आईटी कैंसिल और एफ से एफ कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास, इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक डिवाइड में इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। ठीक है, तो देखो ये मास ऑफ जिंक प्रोड्यूस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक की, और मास ऑफ कॉपर प्रोड्यूस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर की। तो ये तो था हमारा सेकेंड लॉ। देखो इसकी स्टेटमेंट दोबारा देखो, व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स कनेक्टेड इन सीरीज देन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड एट इलेक्ट्रोड्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट्स। और वही हमने लिखा है यहाँ पे, मास ऑफ जिंक प्रोड्यूस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जिंक के इक्विवेलेंट वेट के, और मास ऑफ कॉपर प्रोड्यूस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉपर के इक्विवेलेंट वेट के। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये हमने दो लॉस किए थे, अब आप इनको रिवाइज कर लीजिए।